Hi, I am your physics sarthi, Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. 2016 में मेरा question number 7. क्या बोल रहा है ये? The equation of sound wave is क्या बोल रहा है? Y equal to 0.0015 sine 62.4 x plus 316 t. Find the wavelength of this wave. आपका ऑप्शन क्या दिया? 0.2 यूनिट. बी ऑप्शन दिया 0.1 यूनिट. सी ऑप्शन दिया 0.3 यूनिट. एंड डी ऑप्शन दिया none of this होने का तो चांस कम है. फिर भी देखते हैं क्या है. समझ में आ गया? इक्वेशन ऑफ साउंड वेव. देखो साउंड वेव, इसको साउंड वेव प्रोग्रेसिव है. साउंड वेव साउंड भी प्रोग्रेस करते है ना. बेड़ी इधर से आपकी तरफ जा रहा है. तो साउंड वेव, ये साउंड वेव जो है इसका इक्वेशन दे दिया. फाइंड द वेवलेंथ. इजी है. y इक्वल टू 0.0015. ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए नहीं चाहिए? एम्पलीट्यूड दे के मैं क्या करूँ? 0.4x प्लस 316t. हमारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो याद कर लो. a साइन ऑफ इधर के x लिख लिया, के लेक्स ओमेगा t. क्यों किया? क्योंकि a x t k के साथ मैच करा लो. k इक्वल टू 62.4, k मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू 62.4. तुमको तो वेवलेंथ ही चाहिए. इतना लंबा चौड़ा कितना कुछ दे दिया. नाउ इसको छोटा करना पड़ेगा, करेक्ट? तो लैम्डा इक्वल टू कितना है? 2 पाई डिवाइडेड बाय 62.4. 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 62.4 इक्वल टू 3.14 एंड 62.4 ही दिया है ना. 3.14 तो क्या हुआ? इतना हो गया. एंड 62.8, ये 4 और 8 थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है. बढ़ना तो 0.1 यूनिट में मैं ले लेती. तो नान ऑफ दिस आएगा क्या? 62.4 ही दिया है ना. 62.4 दिया, x के साथ दिया है. एक बार मैच करा लेती हूँ. हाँ 62.4 दिया है. एंड हाँ 62.4 ही दिया है. इधर 62. एंड पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई 3.14. 3.14 पाई का वैल्यू होता है. तो 628. तो पूरा तो मैच नहीं हो रहा है, क्लोज टू 0.1 हो रहा है. तो मेरे ख्याल से तो नान ऑफ दिस होना चाहिए. क्लोज टू 0.1 हो रहा है. 0.1 करेक्ट. इसको करोगे तो 0.1 आ रहा है. 0.1 यूनिट. बट 3.14 पाई का वैल्यू. 3.18 तो नहीं है. नहीं 3.14. तो मेरे ख्याल से नान ऑफ दिस अगर तुम करोगे तो ही तुम्हारा करेक्ट होगा. ये 8 एंड 4 का गड़बड़ है, ठीक है? इसीलिए 0.1 नहीं हुआ, नान ऑफ दिस करेक्ट. ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7. थैंक यू फॉर वॉचिंग. In this way, I have explained last 20 years of questions. If benefited, do watch.